नमस्कार साथियों, मैं गौतम कुमार आज फिर से लक्ष्य इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, लक्ष्य इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका कि शेयर प्राइस 1416 रुपया 28 जून के अनुसार ये है screener.in वेबसाइट पे। इसका मार्केट कैप 4258 करोड़ का, करेंट प्राइस 1416 रुपया, जबकि बुक वैल्यू 521 रुपया, अपने बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर। 52 का हाई लो 1721 रुपया हाई है और लो है 1072 रुपया। स्टॉक पी 33.9 का, ROC 11.1%, ROE 8.32% का, फेस वैल्यू 2 रुपया, डिविडेंड यील्ड 0.35%। वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इसमें अप ट्रेंड बनने की उम्मीद कम है, फिर भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाली है जिसके वजह से इसमें हो सकता है, मेरा उम्मीद मानना है कि 80% चांस है कि इसमें अप ट्रेंड बनेगी मंडे को। मार्च 2024 के अनुसार जिसमें कि सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया था जो कि 708 करोड़ का हो चुका है, जहां पर दिसंबर 2023 में 451 करोड़ का मात्र था सेल्स, और एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है मार्च 2024 में जो कि वृद्धि होकर के 632 करोड़ हो चुकी है। टोटल काट छाट करके नेट प्रॉफिट जो है 55 करोड़ का हुआ मार्च 2024 का क्वार्टर में, जबकि दिसंबर 2023 में मात्र 19 करोड़ का था। तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से EPS में भी काफ़ी अच्छा, लगभग लगभग 3 गुना के समथिंग में EPS में भी वृद्धि देखने को मिला है। तो सोच सकते हैं कि जब इतना वृद्धि किया है तो नेक्स्ट क्वार्टर जो कि जून 2024 का रिजल्ट आने वाली है उसमें भी हो सकता है कि अच्छा खासा रिजल्ट शो हो, यानी कि प्रॉफिट में ही अच्छा खासा रिजल्ट आए। जैसा कि बैलेंस शीट में अगर नज़र डालते हैं तो मार्च 2018 में जहां पर कि इस कंपनी के पास में 313 करोड़ का रिजर्व था, वहीं पे अब बढ़ करके मार्च 2024 में 1560 करोड़ का हो चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छा इसके पास में रिजर्व बन चुका है। लेटेस्ट अपडेट न्यूज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्या होता है? क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में प्रमोटर और प्रमोटर के रिलेटिव को ट्रेडिंग करने से रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, वो टाइम निर्धारित होता है। तो इसमें जो रोका गया है कब से कब तक, देखने में जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो 1 जुलाई 2024 से लेकर के इसका रिजल्ट जब तक शो ना हो जाए अनऑडिटेड रिजल्ट, उसके 48 घंटे बाद तक, इस तरीके का नियम हर एक कंपनी के साथ में होता है। ये सेबी के द्वारा नियम लगाया जाता है, यानी कि लगाया गया है, और इसको हर एक कंपनी को पालन करना ज़रूरी होता है, यानी कि पालन करेगा ही। तो काफ़ी अच्छा न्यूज है, उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर लोग जो कि प्रमोटर को छोड़ करके FIH, DIH, पब्लिक, ये सभी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो यही है न्यूज और काफ़ी अच्छा न्यूज है। उम्मीद लगा सकते हैं इस शेयर से कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो, और मेरा माने तो इसका शेयर प्राइस कुछ ही समय में लगभग लगभग 1600 को पार कर जाएगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए अंदाज में, नए शेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।